So when I came up with this Godfather of Talent tagline, at that time I had not even seen the Godfather movie. उस टाइम मैंने देखी नहीं थी. हैं देखिए फिल्मी तो है. देखिए हीरो बनने का शौक था. नहीं नहीं क्या मजे लेते रहते यार आप. नहीं नहीं भाई यू लुक डिसेंट. नहीं सो लाइक इफ यू वांट बॉलीवुड ड्रीम्स आर ऑलवेज ओपन. नो 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 नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल. डज द फीमेल अटेंशन चेंज व्हेन यू हैव लाइक अ सर्टेन. नो नो फीमेल अटेंशन. इज दैट समथिंग यू शाय अवे फ्रॉम योर नॉट. है ही नहीं कुछ क्या शाय. हेलो एंड वेलकम टू मैशुअल मॉर्निंग. राघव गुप्ता क्या हाल है भाई आपके. अच्छा सुजात हाउ यू. ऑल वेल यार. आपकी हम लोगों ने सॉलिड इंट्रो दे दिया लोगों को तो दे आर आई थिंक एक्साइटेड टू हियर अबाउट व्हाट द वेंचर्स आर अबाउट. लेकिन हम ना थोड़ा मतलब जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं बिकॉज आई थिंक यू मे बी द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर टू बी फीचर्ड ऑन मैशुअल मॉर्निंग. यू आर 23. थैंक यू फॉर दैट. दिस इज आपकी डेट्स का भी बड़ा हमको टंटा रहा. हम लोग एक साल से करने की कोशिश कर रहे हैं. आई थिंक काफी कुछ चल रहा था. सो थोड़ा पीछे चलते हैं जिंदगी में. बचपन से एक कीड़ा रहा क्या क्योंकि थोड़ा लीडरशिप स्किल्स मेरे को वहाँ कॉमर्स सोसाइटी आपने चालू कर दी थी बोलते हैं कॉलेज या स्कूल के दौरान ही. राइट राइट. सो मैंने चालू नहीं की थी. आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट. ओह. सो आई थिंक इट वाज नॉट कि मुझे कोई लीडरशिप का स्टाइल था. इट वाज जस्ट अबाउट द फैक्ट कि देयर वाज वन थिंग आई वाज गुड एट. ओके. तो मुझे लगा कि यू नो जनरली अबाउट बिजनेस धंधा एंड ऑल ऑफ दैट थोड़ा बहुत नॉलेज थी. तो ये आई थिंक एक सेकंड क्विक सेगवे. बट जितने हमारे बनिए भाई या बहन लोग देख रहे हैं पेट से सीख के आते हैं क्या आप लोग बिजनेस. नहीं घर में बात ही ये होती थी. देयर वाज नथिंग एल्स दैट वाज डिस्कस्ड इन द हाउस. ओके. तो बिकॉज ऑफ दैट आई फेल्ट कि मैं एडवांटेज पे हूँ दैट आई नो वन और टू थिंग्स एक्स्ट्रा एज अपोज टू माय पीयर्स मतलब यार दोस्तों के कंपैरिजन में. फेयर एनफ. सो यूज दैट टू सॉर्ट ऑफ गेट इनटू अ लीडरशिप पोजीशन एंड वो समझ आ गया कि इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज. अगर आप में नॉलेज होगी तो आपको ऑटोमेटिकली लोग लीडर बना देंगे. फेयर एनफ. बट आई थिंक इट्स अ पीपल नैक ऑल्सो दैट यू मे हैव ना कि आपको लोग समझते हैं कि लोगों की क्या सोच होगी उनको क्या चाहिए. नहीं ऐसा होता होगा ना. I don't know, I hope so. नहीं नहीं हमारी बातें 30 मिनट पहले से हो रही थी बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू एंड आई थिंक यू कैन रियली आप फट करके नव समझ लेते हो किसी व्यक्ति की. क्यों ऐसा है ना. आई ट्राई टू बट आई होप आप कह रहे हो तो थोड़ा बहुत होगा. नहीं 100%. तो यार ये बताओ फिर देन हाउ डज लाइफ प्रोग्रेस फ्रॉम देयर क्योंकि I don't know कि Futurance का आइडिया कहाँ से आया आपको. What was the thought behind it? और संक्षेप में अगर layman terms में बताना हो Futurance करता क्या है तो लोगों को बताना चाहूँगा मैं. Sure. So Futurance का आइडिया ये था कि as we saw कि overall industry जो technology की है वो change हो रही है. अब आपने देखा होगा AI आ गया है, ChatGPT, prompt engineering, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं. So what that means is कि जो एक normal Indian techie था, एक normal engineer था, जो देश की working population का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी लाइफ चेंज हो रही थी बहुत फास्ट. एंड जो उसने अज्यूम किया था द वे दे विल लिव देयर लाइफ द वे दे विल बिल्ड देयर करियर्स दैट वाज नॉट द सेम. ओके. सो व्हाट वी रियलाइज वाज दैट एज द इंजीनियर्स ऑफ दिस कंट्री आर देयर हु आर फेसिंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स वी रिक्वायर सम स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दैट विल सॉल्व फॉर दोज प्रॉब्लम्स. नाउ हमने स्टार्ट किया विद टैकलिंग अ प्रॉब्लम अराउंड फ्री अपस्किलिंग. जी. तो देश में क्या हो रहा था बहुत सारी एडटेक कंपनी आ रही थी जो बड़े महंगे महंगे कोर्सेज भेज रही थी. करेक्ट. अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो रियल डिजर्विंग टैलेंट है उनके पास पैसे नहीं है. सो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया वेयर वी अपस्किल पीपल फॉर फ्री. फ्री में आई विल आल्सो ऐड टू दैट दैट यू समटाइम्स पे पीपल आल्सो टू गेट अपस्किल्ड. नो दैट इज व्हाट द मॉडल इज. राइट. ओ क्रेजी. द मॉडल इज कि हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे साथ ही साथ जो भी उनकी सैलरी है वो हम मैच कर देंगे. इसलिए करेंगे बिकॉज अपस्किलिंग करने के लिए यूजुअली आपको एक फोकस चाहिए होता है. ओके. और आप नौकरी और अपस्किलिंग एक साथ बैलेंस नहीं कर सकते. इफ दैट मेक्स सेंस. तो हमने ऐसा मॉडल बनाया. So that was tackling zero cost upskilling where people don't have enough money. Okay. How do we upskill them for free while paying them salaries? And parallelly, जो बड़ी बड़ी Fortune 500 कंपनियां हैं इनको specific लोग चाहिए थे technology के अंदर जो market में available नहीं थे. तो हम इन companies के पास गए. हमने बोला कि आप वो specific चीज़ें बताइए जहाँ पे लोग नहीं मिल रहे. हम आपको लोग देंगे, आप हमें पैसे दीजिए. So we sort of created sort of a model where उधर रॉबिन हुड टाइप मॉडल कि हम अमीर से लेके गरीबों को दे रहे हैं. क्या बात है. इन सब और दिया था. और हम ये मुंबई यूनिवर्सिटी के बाजू में चलते चलते बात कर रहे हैं. क्या बात है. नहीं नहीं इट्स अ जोक. इट्स अ जोक. नहीं नहीं बट अपस्किलिंग एंड नॉलेज लाइक यू सेड जी इज सच अ नेक काम एंड सच एन इंपॉर्टेंट काम. राइट. सो इट्स अ गुड डीड. आई डोंट थिंक वी आर टॉकिंग एनीथिंग रॉन्ग. हाँ. तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने.
जहाँ पे हमारा जीरो कॉस्ट अपस्किलिंग वॉज द थिंग दैट गॉट अस ऑन द मैप, दैट गॉट अस अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिबिलिटी, लिटिल बिट ऑफ ट्रैक्शन. उसके बाद हमें समझ आया कि देर आर अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो दैट द इंजीनियर्स ऑफ इंडिया आर फेसिंग एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर देम. नाउ वन प्रॉब्लम इज अबाउट ऑन साइड जॉब्स. ऑन साइड जॉब्स का मतलब होता है अमेरिका में जाके जॉब करना. आप देखोगे टेकीज के ना एक दिल में एक इच्छा होती है कि मेरे को बाहर जाना है. नहीं, हम तो हैदराबाद की पैदाइश है भाई, अरे तेलंगाना सबसे ज्यादा लोग भेज रखे हैं वहां पर. एग्जैक्टली राइट. नाउ प्रॉब्लम क्या थी कि टू गेट ऑन साइड जॉब्स, जो एक कंपनी थी TCS, इंफोसिस, विप्रो, ये आपको ऑन साइड जॉब्स में भेजती थी बाहर. करेक्ट. अब इन कंपनीज का क्या हो गया कि विद ओवरऑल इकोनॉमिक प्रेशर्स, मार्जिन प्रेशर्स, इन्होंने ना आउटसोर्सिंग पे ज्यादा फोकस किया. ठीक है. वेयर दे सेड टू द अमेरिकन कंपनी कि यार मैं आपसे काम, मैं आपका काम कर दूंगा बट बंदा इंडिया में ही बैठेगा. ओके. बिकॉज़ दे वांटेड टू पे सैलरीज इन डॉलर, इन रुपीस एंड अर्न इन डॉलर्स. करेक्ट. सो दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ दीस पीपल रियलाइज दैट अब उनके पास ऑप्शन कम हो गया बाहर जाने का एंड द ओनली लीगल वे टू गो अब्रॉड एंड डू अ सॉर्ट ऑफ जॉब देयर इज थ्रू अ मास्टर्स. या नाउ क्या पहले वहां पढ़ाई करें और फिर वहीं जॉब पाएं. 3 साल का आपको वीजा मिल जाता है करने का. जी. अब प्रॉब्लम मास्टर्स की ये है कि मास्टर्स ए बहुत महंगी है, दूसरा 2 साल का नॉर्मल मास्टर्स होता है, तीसरा एनी गुड यूनिवर्सिटी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स. यस. सो वी आर लाइक हाउ कैन वी सॉल्व फॉर दीज 3 प्रॉब्लम्स एंड दैट्स वेयर वी क्रिएटेड द फ्यूचर इन यूएस पाथवे, जहां पे हमने एक ड्यूअल डिग्री बनाई है. करेक्ट. ड्यूअल कोर्स वर्क वेयर अ पोर्शन ऑफ योर कोर्स वर्क हैपेंस इन इंडिया विद IITs. ओके. एंड द रिमेनिंग पोर्शन हैपेंस इन द यूएस. So this is the IIT partnership that you've established? That is, okay, this is one part of the IIT partnership. Oh wow, okay. So in this part of the IIT partnership, a portion of your masters, US masters, happens in India. ठीक है. And the remaining part happens in the US. Okay. इससे आपकी duration 12 महीने पे आ जाती है. हाँ. 24 months to 12 months. वाह जी वाह. आपका जो overall cost है, broad level में 50-60% गिर जाती है. Okay. And तीसरा, because IITs are accepting you. हाँ. IITs के अंदर you are clearing IITs, जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर GMAT, GRE, IELTS, TOEFL. वाह. तो आपने देखा होगा, आप तेलंगाना से आते हो तो GMAT, GRE, IELTS, TOEFL में हर तीसरी दुकान में कोचिंग चल रही है. वो हमने ट्राई किया, हाउ डू वी एलिमिनेट दैट. तो वाह जी वाह, डंकी में भी यही हो रहा है, शाहरुख खान जी यही कर रहे हैं, आप भी यही कर रहे हैं, क्या बात. राइट राइट. व्हाट डू यू नीड टू हैव इन योर किटी बिफोर स्टार्टिंग? मतलब 2 साल का विजन लेके चलते हो आप, 5 साल या 10 साल, 5 things इफ यू हैव टू टेल मी. श्योर. कि एक entrepreneur, budding entrepreneur या budding business student को पता होनी चाहिए about a business before they even think about starting up. I think firstly when you said 5-10 year vision, I think vision सबके पास होते हैं, but they never happen. It's good to have a vision because आपको personally confidence आ जाता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर रहा हूँ. हाँ. If you ask me, but हाँ. वो कभी होंगे नहीं. हाँ. But at least बना के रखने का vision statement. एक starting point मिल जाता है कि एक ना motivation आती है. रात को आप 11-12 बजे काम कर रहे हो तो एक वो motivation होती है. हाँ. Now आपने पूछा 4 या 5 चीजें बताऊं जो स्टार्टिंग अप. अगेन आई डोंट हैव अ लिस्ट फॉर इट, बट आई कैन जस्ट टेल यू ऑन टॉप ऑफ माय हेड. फेयर इनफ. वन थिंग पर्टिकुलरली इज द कस्टमर यू आर सॉल्विंग फॉर. जो भी कस्टमर है आपका ना, हमारे केस में वो थे टैलेंट. yeah. बच्चे इंजीनियर्स हु आर सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम C-grade, B+ grade यूनिवर्सिटीज एंड क्लूलेस थे. तो थोड़े बहुत हद तक उनके पेन पॉइंट्स क्या है. सो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, दैट इज ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग. करेक्ट. सेकेंड थिंग इज की इनकम्बेंट्स क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है. देखो आप इकलौते समझदार तो हो नहीं जी, मार्केट में बहुत लोग होंगे. हाँ. जो काम कर रहे हैं. करेक्ट. सो उनके काम को एनालाइज करना इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, रादर देन ट्राइंग टू यू नो फिगर आउट एवरीथिंग योरसेल्फ. करेक्ट. बिकॉज देयर यू विल लर्न अ लॉट आई थिंक. सो दैट्स व्हाट वी डिड. जो एग्जिस्टिंग कंपनियां थी, चाहे वो IT सर्विसेज हो, चाहे वो एडटेक हो, हमने सबके जाके समझा वो कर क्या रहे एंड फॉर दैट हमने उनके एम्प्लॉयज से बात की. तो व्हाट आई डिड वाज कि LinkedIn आप कंपटीशन के एम्प्लॉई से बात कर रहे थे. मैं LinkedIn पे सबको रीच आउट करने लग गया एंड आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड यू नो आई सॉर्ट ऑफ, अगर मान लो कोई मैनेजर है तो मैंने उसको बोला मैं तेरे को हेड ऑफ मार्केटिंग बना दूंगा. अगर कोई सीनियर इंजीनियरिंग हेड है उसको बोला CTO बना दूंगा. एग्जाम्पल दे रहा हूँ राइट. उस तरीके से बात की. हाँ. तो लोग खुल जाते हैं इफ यू शो देम अ बिगर एस्पिरेशन कि यहाँ पे तू छोटा काम कर रहा है, मैं बड़ा काम कर रहा हूँ. और कुछ लोगों को कराया भी, कुछ लोगों को नहीं भी कराया. फिर एज यू रियलाइज उनसे बात करके बहुत कुछ समझ आया. बिकॉज इट वॉज सॉर्ट ऑफ लाइक अ पॉडकास्ट कि 2-2.5 घंटे आई एम ओनली क्वेश्चनिंग, दे आर नॉट क्वेश्चनिंग मी, आई एम ओनली आस्किंग देम क्वेश्चंस. सो एज आई सेड, पहली चीज कस्टमर की समझ होनी चाहिए, कस्टमर की पकड़. यस. दूसरी, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स हैं, व्हाट आर दे डूइंग, हाउ आर दे डूइंग इट. एंड थर्ड, व्हाट इज योर अनफेयर एडवांटेज. कोई ना कोई आपकी अनफेयर एडवांटेज आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी. उसके बिना देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग इनटू अ बिजनेस इन टुडेज़ एरा. ओके. सो वो आपकी क्या अनफेयर एडवांटेज हो सकती है. तो हमें समझ ये आया कि
I am competing with IT services companies. Hmm. And for some reason, they are being run by people who are 50, 55 years of age. Yeah. Who don't understand digital youth marketing. Or youth who, issues. Who don't understand the narratives to be created. Who don't understand how the youth is of this country is thinking. That was the core differentiator between us and them. Yeah. Usko humne leke capitalize karke market start ki. So, mota moti, I think the three things also, not even five, the three things that you said are great. अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो तो कमेंट्स में बताते चलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ दिस मींस यू आर कंसिडरेबली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग और हसल कल्चर और 70 आवर वर्क वीक के डिबेट्स को तो हम सुनते ही रहते हैं. तो क्या है आपका कहना हसल कल्चर के बारे में? मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, राइट? एंड इसके लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वर्क वीक कैसे डिफाइन हुआ है, राइट? जब शुरू में हम हंटर्स थे तो हम सात दिन काम करते थे, संडे को नहीं करेंगे तो शेर खा जाएगा. करेक्ट. Then what, आपका पेट आपको मार देगा. हाँ, मार देगा, मतलब भूखे मर जाओगे. भूखे मर जाओगे. Then slowly religion आया हमारी लाइफ में, तो संडे बिकेम अ रिलीजियस डे. कि संडे को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा रिलीजन सॉर्ट ऑफ बिकेम अ वे टू रिलैक्स योरसेल्फ. देन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम, जब लोगों ने बोला कि यार सैटरडे संडे दो दिन छुट्टी मिलनी चाहिए. एंड नाउ इन दिस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन पीपल आर सेइंग चार दिन काम करो, पांच दिन करो, क्या करो, दे आर डिबेटिंग. So I think as human beings, biologically, we can work all 7 days. Biologically, I'm not saying we need to. Yeah. It is up to us ki hamari appetite kya hai, hamari bhook kitni hai. Main aapko ek chota sa example deta hu. Abhi 4 din pehle ki baat hai. Mere office mein there is this young video editor. Okay. His name is Prajwal. He's from Indore. Arre wah. So abhi he started working and I just keep talking to them ki kya chal raha hai Indore mein, kaisi baat chal rahi hai and all of that. To wo mujhe kehta raha agar mujhe ek cheez samajh nahi aati, yahan pe log मजा करने में बहुत फोकस करते हैं. मतलब बोल रहे हमारे तो इंदौर में सैटरडे रात हो संडे सुबह हो सिर्फ पैसा कैसे कमाना ही सोचते रहते हैं. हाँ. तो मुझे लगा कि यार कुछ और मेरा भी ना क्या है कि आप बैंगलोर दिल्ली बॉम्बे से बड़े बड़े शहर में रहते हो, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, तो कभी कभी आप भी कंप्लेसेंट हो जाते हो. स्टार्ट फीलिंग कि हाँ यार संडे है रिलैक्स करेंगे स्टफ लाइक दैट. तो मुझे ये समझ आया कि वी हैव ऑल बिकम अ बिट एंटाइटल्ड टू सम एक्सटेंट वेयर वी हैव द लिबर्टी टू से 40-hour work week, 60-50-hour work week, whatever it is. Now, I also understand there are a lot of people who perform the best when they are working lesser or they are relaxing. So, it all depends on you. But if you personally ask me, biologically we can do it. Mankind has done that in the past. And it all depends on aapki bhook kitni hai. Sahi bolega. But agar aap mehnat kar rahe ho, toh koi aapse wo le nahi paega. Haan. Toh aap victim card mat play karo. Ki bhai main 70 ghante kaam kar raha hu. भाई वो अपने लिए कर रहे हो ना. हाँ. कंपनी के लिए भी आप कर रहे हो तो द एरर विल करेक्ट इटसेल्फ. अगर मान लो कंपनी कम पैसे दे रही है तो अगले साल ज्यादा देने पड़ेंगे ना, चारा नहीं पड़ेगा कंपनी के पास. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. करेक्ट. एंड जस्ट टू ऐड टू एग्जैक्टली ऑल ऑफ व्हाट यू सेड, मैं 100% एग्री करता हूँ. आप हार्ड वर्क करो लेकिन वो स्मार्टली वर्क कर रहा है कि नहीं आपके लिए आपको नहीं पता. तो खाली गधा मजदूरी मत कीजिए, आप समझ के लीजिए कि आपका जो है उसमें कितना टाइम लगता है और क्या जरूरत है उसकी करने की. ट्रू. अभी तो हम मुंबई के ट्रैफिक में फंस गए हैं. लॉट ऑफ ट्रैफिक. बट सही बोले यार, लाइक माय कोफाउंडर ओनली हैड पुट अप अ पोस्ट रिसेंटली, समर वर्मा, एंड ही सेड बॉस आप कंपेयर तो करते हो अपने आप को उनसे, फिर बोलते हो कि 60 आवर वर्क वीक 50 आवर वर्क वीक हम तो नहीं करेंगे. फिर आप कंपेयर क्यों कर रहे हो अपने आप को उनसे? राइट. आप मजे करो. हाँ. उनको करने दो अपनी मेहनत. उनको भूख या पागल कुत्ते की. किसी को दिखाने के लिए नहीं करना काम. आई थिंक दैट्स द मेन थिंग. खुद के लिए कर रहे हैं. या 100%. बट यार फ्यूचर इन में फिर धंधा किधर है? हाउ आर यू मेकिंग द मनी? सो हमारे 3 या 4 मॉडल हैं द वे वी मेक मनी. पहला हमारा मॉडल अराउंड जीरो कॉस्ट अपस्किलिंग. ओके. जहाँ पे मैंने आपको बताया हम लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं, उसके अंदर कंपनी से हम चार्ज करते हैं, वेयर दे सॉर्ट ऑफ पे अस मनी फॉर द टैलेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू देम. फेयर इनफ. द अदर मॉडल इज US पाथवे, वेयर वी आर सेंडिंग पीपल फॉर देयर मास्टर्स टू द US. उसके अंदर एट अ ब्रॉड लेवल वी मेक मनी इन 2 एस्पेक्ट्स. 1 एस्पेक्ट इज बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ ड्यूअल degree, dual coursework which did not exist in India before. We, the US university sort of, we have a model with them, the way we make money with them. Second is, once these guys go to the US, and if we get them jobs, then the employers in the US also pay us. Very nice. So, that is the future in US pathway. The third model that I did not discuss with you is our IIT model. So, har saal India mein 8-10 lakh log IIT ke entrance exam mein baithte hain. Main jis saal diya tha usse 12 the. AI ट्रिपली के लिए 12 थे, अब तो IIT मेंस और वो एक ही हो गया. तो 12 लाख 10 लाख लोग बैठते हैं और ब्रॉड लेवल पे 10 से 15,000 लोगों का एक्चुअली होता है. यस. सो इंडिया के एक सोशल फैब्रिक में IIT इंग्रेंड है. इट्स अ स्टेटस सिंबल, इट्स अ क्रेडिबिलिटी फैक्टर, व्हाटएवर व्हाटएवर. यस यस. तो हमें लगा कि यार जब वो 18 साल का लड़का था या लड़की थी, तब
मेहनत कम की, वॉट एवर वॉज द रीजन, अब ये 24 साल का हो गया या 25 साल का हो गया, अब जुनून है, अब मेहनत है, एपेटाइट भी है, अब दिखता है कि मेहनत का क्या फायदा है. तो दे शुड बी गिवन अ सेकंड चांस विद IITs. सो वी आर द ओनली वंस हु हैव क्रिएटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स विद टॉप IITs दैट पीपल कैन डू फ्रॉम देयर होम्स एंड गेट एन एक्चुअल IIT डिग्री विद द IIT एलुमनाई स्टेटस. तो आप IITians की लीग में आ जाओगे. करेक्ट. जैसा आप जानते हो एडटेक में बहुत लोग काम कर रहे हैं. हाँ जी. एंड उन्होंने तो सौ हजारों करोड़ रुपए रेस किए हुए हैं. हाँ, वो they have tried to do it. Correct. But the reason why they were not able to do was because these guys were not focused on quality of talent. Yeah. इनका था डिग्री छाप के बस पैसे कमाने. हाँ. You understand what I'm saying, right? Yeah, yeah. And the good IITs realized that. तो because हमारा पहला मॉडल जीरो कॉस्ट अपस्किलिंग, जहाँ पे हमारा खुद का पैसा स्टेक पे था, जहाँ पे हमें लोगों को पैसे देके ट्रेन करना है so that they become employable. Yeah. एक IITs के सामने हमारी एक ब्रांडिंग बन गई. Correct. कि यार ये लोग जो है ये आउटकम ओरिएंटेड लोग हैं. हाँ. They will give us only quality talent and जो ट्रेनिंग भी होगी they will sort of help us on that. और ये लार्जर विजन भी तो है, हम आप देश को भी आगे लेके चल रहे हो उसके साथ. सोच तो वही है. हाँ जी. एंड कुछ हद तक इट इज ऑल्सो टू डू विद द फैक्ट दैट एक फ्रेशनेस लाते हैं. वी आर नॉट एन एडटेक कंपनी. वी डोंट लाइक टू बी पोजिशन लाइक एन एडटेक कंपनी. नाउ पीपल कैन ब्रैकेट अस इन दैट बकेट, बट वी लाइक टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स लाइक अ टैलेंट टेक कंपनी. ओके. वी आर सेंटर्ड अराउंड टैलेंट, अराउंड द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग विद टेक. विद टेक ऑब्वियसली. वो टेक तो जैसे आप बोल रहे हो, अब जो कैमरा भी हम यूज कर रहे हैं टेक ही है. सब टेक है भाई. राइट. हमारे फोन्स टेक हैं, उसके अंदर का सारा कोड UX UI इसकी हाँ, समझ ना हो तो हाँ, फिर आपको क्या, ये गाड़ी के अंदर ये जो हाँ, चल रहा है हाँ, बस सही है, सही बोल रहे हैं. एंड इट इज नॉट सम AI और सम गेम चेंजर टेक. इट इज जस्ट यूजिंग बेसिक टेक एंड इनेबलिंग आवर बिजनेसेस विद इट. करेक्ट. इफ दैट मेक्स सेंस. नाउ विद HR कम्स द होल कन्वर्सेशन अबाउट AI टेकिंग अप द जॉब्स दैट HR डज. क्या आपका कहना है उसके बारे में? सो आई थिंक आई हैव अ वेरी सिंपल थॉट ऑन दिस एंड इट हैज टू रीजंस बिहाइंड इट. रीजन नंबर वन इज कि आप अगर ह्यूमन बींग्स की जर्नी को देखोगे, सो विद टाइम वी स्टार्ट सॉल्विंग मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे पास आज की डेट में जो टूल्स हैं मेरे डिस्पोजल पे, लाइक दैट इज द कंप्यूटर दैट आई एम यूजिंग, एज दैट टूल, एज दैट कंप्यूटर बिकम्स मोर स्मार्टर, आई विल यूज दैट टू सॉल्व बेटर प्रॉब्लम्स. करेक्ट. नाउ लेट अस हाइपोथेटिकली अज्यूम कि वो नहीं होता. Okay. कि मशीन्स बिकम सेल्फ ऑटोनोमस, दे बिकम सो स्मार्ट दैट दे डोंट नीड अ ह्यूमन बीइंग एंड दे आर सॉल्विंग दोस कॉम्प्लेक्स, दे आर सॉल्विंग दोस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. देन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन हियर, राइट? कि जो लॉज बनाते हैं, द पीपल दैट मेक लॉज, दैट मेक रेगुलेशन, या हु आर दोस? हां, दैट इज द गवर्नमेंट. एंड हु वोट्स फॉर दैट गवर्नमेंट? दैट इज पीपल लाइक अस. या सो अगर आपकी गवर्नमेंट को लगेगा कि उनकी एक ब्रॉडर पॉपुलेशन इज गेटिंग अनएम्प्लॉयबल, they will create regulation. ऐसी regulation बना देंगे which will the worst case scenario है. worst case scenario कि कल को machine इतनी smart भी हुई जो पता नहीं कब होंगी, तब आप you are safe. if that makes sense. yeah 100%. or when you said complex problems, I was also thinking that they will be complex human issues also, na then. yeah. psychological things. another human. yeah. which are tough to program. yeah 100%. and our brain, the spectrum is so large that I don't think AI will be able to get adapted into that kind of zone. I think AI will. Okay. as we are seeing with AI, it will. They now could, yeah. Now the question is not if, the question is when. Okay. कब होगा ये? There is also the 1% club जो आपने finance with Sharan के साथ खोला हुआ है. right. वो कैसे हुआ? What is the vision of 1% club और क्या है ये मेरे को बताना. But first start with, do you remember the first meeting with Sharan? Yeah. So we actually met at a party. Oh, really? And what was happening was that time when we met, 1% club was something that it was like a course that he was doing. Okay. And I just met him and I knew who he was, but I didn't know how big he is. Mm-hmm. And I just met him. I gave him some opinions. Ki ye different hai, ye kharab hai, ye acha hai, ye better kar sakte hai. And then we started like vibing a lot. Then next day I called him to my office and he came to my office. Hum 5-6 ghante baithe rahe. Then we realized ki there is something much bigger we can do, because that time while talking to him only I realized, and we collectively realized, that this can be a fintech play. Really? This can be a financial services play. And I asked Sharan that, I think, do you want to become India's biggest banker? And that was my question for him, and he said, yeah, definitely. I was like, let's talk. Yeah. Okay. So that's how the conversation started. Now what is the 1% club? The answer is very simple. Theek hai.
इंडिया एज अ कंट्री हैज वेरी हाई ग्रोइंग एस्पिरेशंस. आपके अराउंड के दोस्त यार भी आप देखोगे, सबकी सोच बड़ी हो गई है. हाँ. बड़ी गाड़ी लेनी है, सबको ये गाड़ी लेनी है, वेकेशन पे जाना है, खर्चे करने हैं, सब कुछ करना है. बेस्ट फोन, बेस्ट कैमरा, एवरीथिंग. एंड दे आर विलिंग टू वर्क हार्ड फॉर इट. ऐसा नहीं कि वो घर बैठे. प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इज दैट डिस्पाइट व्हाटएवर मनी दे आर मेकिंग, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट मनी. हाउ डू दे चैनलाइज दैट मनी? एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर फर्स्ट जनरेशन पीपल. इनके घर वाले इतने एफ्लुएंट नहीं थे. सो दे आर लैकिंग अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी दैट विल कलेक्टिवली हैव द सेम एस्पिरेशंस एंड विल पुल ईच अदर अप टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू, मेक योर मनी वर्क फॉर यू, मेक योर सेल्फ वर्क बेटर, स्टफ लाइक दैट. सो 1% क्लब बेसिकली इज अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु आर द न्यू एज इंडियन पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन that aspires to be the 1% of this country one day. So right now we have around 34,000 paid subscribers in the community. Oh wow. And this community is increasing by roughly 4 to 5,000 subscribers every month. Oh, interesting. As we speak. So we are India's biggest finance community. Oh, wow. Which is focused on financial well-being, by far the biggest. Superb yaar, kudos. Yes, thank you. Good stuff. So matlab isme investment kaise uthai? So you have a very interesting role to play in that. Us? Yes. How come? So I'll give you a context of उठाई कैसे investment. जी. So broad level पे निखिल के साथ हम मिले. जी. शरण एंड आई मेट हिम. हम तीन चार बार मिले उनसे पहले शुरू में. हमने शुरू में बिजनेस के अलावा सारी बातें की. सारी philosophical, psychological, सारी बड़ी बड़ी बातें. उस philosophy वाले zone में है वो बहुत. And he's very nuanced. मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे बात करके, right? And while talking to him in निखिल कामत की बात हो रही है भाई. निखिल कामत, right? While talking to him, and he also has this his partner in Gruhas, his investment arm is Abhijit Pai. Yes. तो हमारी जब final negotiation हो रही थी उनसे, जो discussion हो रही थी वो निखिल के penthouse में हो रही थी in Bangalore. तो Abhijit was also there, and Abhijit was like the negotiator. Like he looks straight in your eyes and he talks, and मतलब डर सकता है बंदा. If you realize what I'm saying, right? Straight वो आपकी आंखों में देखते हैं. तो तब मुझे याद आया कि मैंने निखिल का एक इंटरव्यू देखा हुआ है आपके साथ, जिसमें ही सेज दैट अभिजीत पाय इज द बेस्ट नेगोशिएटर इन दिस होल वर्ल्ड. यस. सो आई यूज दैट. मतलब अभिजीत, मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट नेगोशिएटर अकॉर्डिंग टू निखिल. सो आई एग्जैक्टली नो द टैक्टिक्स यू आर यूजिंग. एंड जैसे ही वो बोला, रूम पूरा हल्का हो गया. हाँ. और मुझे क्या लगता है कि उन्होंने हमें फालतू ही दे दिया इस चक्कर में. If that makes sense, because so cool, माहौल so हल्का बन जाता ना. Yes, if that course. makes sense. So that's how it happened, and with someone like Nikhil and obviously Abhijit also, our goal was to get their mind frame. Honestly, we didn't need the money. We still don't need the money. It was just to get their mind frame. कि how do these people think? The people at the top, how are they thinking? What are the first principles they are using? And sort of imbibe from them. Nice, interesting. Congratulations on the funding, but. क्या है आप लोगों के नंबर्स, इफ यू कैन शेयर एनी, लाइक व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यूज इज 1% क्लब डूइंग टुडे? श्योर. सो एट अ ब्रॉड लेवल, अगेन दीज नंबर्स आर समथिंग दैट कीप फ्लक्चुएटिंग बैक एंड फोर्थ, बट वी आर, हाउ डू आई पुट, वी आर क्लोज टू अराउंड $400,000, $500,000 अ मंथ. ओह वाओ. इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एक्चुअली हायर देन दैट ओनली, बट आई एम गिविंग यू अ कंजर्वेटिव साइड. वी आर एक्सट्रीमली फोकस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. We are building a sustainable business. Now, as I realize, these numbers keep going up and down. Jee. So that is not something that we are focusing too much on. What we are focusing is two things. First, the customer that we are trying to solve for. Because our long-term aspiration is that the financial services of this country are very, very low in penetration. So penetration bada nahi hai. Theek hai. And to increase that penetration, we believe that the community that we are building will become the funnel to sort of get into financial services. Yes. And that community is wholly dependent on trust. Correct. And trust is dependent on what are they actually benefiting or not. Haan, is word of mouth happening or not? Yeah. Is it just the ads that they're seeing, or is it actually they're referring their friends or not? So hamara sabse key metric that we track is our NPS. Okay. Which is sort of like how satisfied the customers are. Mm. And that is something that I think is increasing month on month. Obviously the numbers are also increasing. But as we realize that these numbers are sometimes not in our control also, so we are not too fixated on it. We are more fixated on the fact about, is the customer actually benefiting? And at the same time, how deeper are we getting into solving problems for that customer? Okay. So for example, you will realize
वी आर लॉन्चिंग समथिंग वेरी सून कॉल्ड योर पर्सनल CFO. ठीक है जी. व्हाट दैट मींस इज दैट एवरीवन, राइट, हम जिस भी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में एक CFO होता है जी, जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है, बेटर बनाता है अकाउंटिंग वाइज एंड ऑल ऑफ दैट. व्हाई शुडंट वी एज इंडिविजुअल्स हैव अ CFO इन आवर लाइफ्स हु विल लुक एट आवर मनी, हु विल मेक आवर मनी वर्क फॉर अस, हु विल गाइड अस बेसिस ऑफ आवर गोल्स. So we are creating something like that, nice, which will be launched. Abhi we are working with SEBI on that, oh, because wow, it is a regulated thing. Of course. So we are working with SEBI. Main zyada bolunga nahi abhi us bare mein. Ji. But yeah, so we are trying to look at deeper problems and solve for them. Nice, yaar. Congratulations. I think this is great. But like you said, meeting important people, like aapki mulaqat Mr. Atre of Meesho, फिर अपने अग्रवाल जी ऑफ ओयो से हो रखी है. Yeah. तो इनसे क्या सीखता है आदमी और क्या आप लेके चल रहे हो? So I think all of these big people, right, be it Ritesh, be it Vidit, be it Sujit from Udaan, Nikhil, all of these people are they sort of guide us. And okay, काफी बार मिल चुका हूँ इनसे मैं. And इन सब लोगों से मिलके दो या तीन चीजें मुझे कॉमन दिखी इन सब में. एक, दे ओनली लिसन, ये बातें कम करते हैं. मतलब आपको यूजुअली लगेगा, जैसे मतलब मैं बात कर रहा हूँ, आई एम लाइक बर्स्टिंग विद एनर्जी, ये बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये लोग सुनते हैं. हाँ. अगर हम दो घंटे बैठा उनके साथ तो डेढ़ घंटे मैंने बोला होगा. हाँ. और 20 मिनट या 25 मिनट उन्होंने बोला होगा. सो दैट टेल्स मी कि इन लोगों की देयर ऑब्जर्विंग एंड देयर एक्चुअली मेकिंग नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट एनी इज हैपनिंग अराउंड देम. सेकेंडली, ऑब्वियसली एज यू रियलाइज, इनसेनली हम्बल. मतलब जितना बड़ा आदमी, इट्स लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ. एरोगेंस उतनी कम होगी, ह्यूमिलिटी उतनी हाई होगी. ये सब सॉरी, मतलब ये आप बिलीव, मैं तो मतलब कभी कभी इनके बैठा होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो था ना कि अपने साथ कोई जूनियर लड़का बैठा है. दे आर सो हम्बल, आई एम लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल. एंड दे कैन नॉट फेक इट, दे डोंट नीड टू फेक इट. सो इट इज बी हु यू आर, दे आर एक्चुअली लाइक दैट. एंड थर्ड थिंग इज दे आर ऑल वेरी ग्रेटफुल. इन सबसे पूछोगे दे वी गॉट लकी, हमारा ये अच्छा हो गया, हमारी टीम अच्छी है, खुद पे क्रेडिट कभी नहीं लेते. तो आपके एस्पिरेशंस क्या हैं भाई, व्हाट डू यू वांट टू डू? Personally, I think I want to become an institution builder. And again, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा आज की thought है. मुझे लगता है कि कुछ एक बहुत बड़ा institution बनाना चाहिए जो itself self surviving हो, जिसमें मेरी जरूरत ना हो, मैं कुछ काम भी ना करूँ. It is a sustainable institution, which is benefiting millions of people. Now, what that is, I don't know. What I am doing right now, can that be possible? Can it be something else? I don't know. Okay. If that makes sense. But at a personal level, I want to build an institution. जैसे हम टाटा की बात करते हैं, रिलायंस की बात करते हैं, तो 40 साल बाद कोई मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग बात करें. सोच है, दैट इज अ थॉट. एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में भी, कि बिकॉज अगर एक थॉट होती है तो एक मोटिवेशन बढ़ जाती है काम करने की. अब वो क्या होता है क्या नहीं होता, यू नो, एवरी डे आई वेक अप विद सम होप इन माई हेड कि आज ये बेटर होगा. हाँ. So, वो होप के लिए जी रहे, इफ दैट मेक्स सेंस. वेरी कूल यार, वेरी कूल. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एंडेवर्स यार. आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सप्लोर, क्योंकि मैंने आपकी वेबसाइट देखी और काफी गॉडफादर लाइक यू नो देयर इज लाइक अ स्लिक फील टू इट. तो ये आप हैं क्या? दिस इज यू इन द बिजनेस रिफ्लेक्टिंग, व्हिच इज वेरी अनलाइक एनी अदर वेबसाइट, इज नॉट क्लटर्ड. इट हैज, यू नो, यू विल नॉट बिलीव दिस, व्हेन आई केम अप विद दिस गॉडफादर ऑफ टैलेंट टैगलाइन, एट दैट टाइम आई हैड नॉट इवन सीन द गॉडफादर मूवी. उस टाइम मैंने देखी नहीं थी. बट ना, मेरे को फॉर सम रीजन, लाइक बिकॉज हमारा मॉडल, पीपल कहते थे इट्स टू गुड टू बी ट्रू. एंड यार, आप क्यों कर रहे हो? आप मेरे रिश्तेदार हो. मेरे से एक बंदे ने पूछा था, आर यू माय रिलेटिव? मेरे रिश्तेदार हो, मेरा कोई रिश्तेदार ना करे मेरे लिए, इफ दैट मेक्स सेंस. करेक्ट, यस, इट डज. सो आई वाज लाइक कि कुछ ऐसा टर्म बनाना है जो थोड़ा फैमिली रिलेटेड हो, एट द सेम टाइम उसमें यह भी हो कि यू ऑल्सो नीड टू डू समथिंग फॉर द गॉडफादर. मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा हूँ. गॉडफादर के साथ आप चैरिटी नहीं करते, इट्स क्विड प्रो को. यस यस यस. द ओनली डिफरेंस इज गॉडफादर बिलीव्स इन यू फर्स्ट. दे आर एट अ अपर हैंड, एट अ एडवांटेज. या सो दे विल हेल्प यू. But it's a quid pro quo, and that's what I keep saying, ki there is nothing as a free lunch. Koi charity nahi hai. We are doing something for each other. Fair enough. Hain, dekhiye, film hi to hain. Hero banne ka shauk tha. Nahi, nahi, kya mazay lete rahte hain, yaar, aap. Nahi, nahi, bhai, you look decent. Nahi, nahi. So, like, if you want, Bollywood dreams are always open. No, 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 not at all. Impossible. No. But, like, what does Bangalore as a city yield to you, and what do you see Mumbai as? I think Bangalore personally has changed me fundamentally. I'm from Delhi. Ji. And I moved to Bangalore close to like 3 odd years ago. It sort of changed me into understanding, because Delhi mein kya hota hai ki Delhi mein na access is very limited. Wo ek certain set of people ek hi group mein ghum rahe hote hain. There are some rich families that operate together. You know what I mean? In Bangalore, I realized nothing is like that. And most of the people that I'm talking to, they have sort of done it on their own.
सो वो एक एक जो खुद बनाना है जो ना खुद खोद के बनाना इज डिफरेंट देन गेटिंग इट ऑन अ प्लेटर. सो वो एक फंडामेंटल ऐसे लोगों से मिलके समझ आया कि कितना ऑन ग्राउंड रहना जरूरी है, ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और मेहनत कितनी इंपॉर्टेंट है. दिल्ली में कभी कभी क्या होता था कि यूज टू लुक पीपल अराउंड यू सेटिंग करके धंधा कर रहे हैं, टैक्स चोरी करते हैं आधे लोग, आई एम जस्ट किलिंग फंडामेंटल, काम कम करते तब भी बहुत पैसे कमा रहे हैं. तो एज अ टीनेजर आपको लगता है यार कि यार इज द वर्ल्ड अ फेयर प्लेस, बट वेन यू कम टू बैंगलोर हर इंसान जो कुछ बड़ा कर रहा है उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत अकल, सब कुछ लगा है, टाइम लगा है. तो वो देख के आई थिंक दैट वॉज अ पर्सनली अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन फॉर मी एंड दैट चेंज्ड मी इन इन द वे आई थिंक. बॉम्बे आई थिंक बिकॉज ऑफ द 1% क्लब, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, आई कीप कमिंग लाइक एवरी 2 weeks फॉर अ फ्यू डेज. वेरी नाइस. एंड बॉम्बे में आई थिंक फॉर सम रीजन आई लाइक द यहाँ के लोग कुछ हद तक मस्त मौला है, इफ दैट मेक्स सेंस, राइट? लाइक कि काम भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, मतलब इट इज लाइक एन अमेलगमेशन ऑफ दिल्ली एंड बैंगलोर. इट्स समवेयर इन द मिडिल. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट दिस सिटी बट आई एम लाइकिंग इट. या नो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन हियर. ये आप रियलाइज करेंगे कि यहां पर है. बट व्हाट इज द ऑफिस वाइब लाइक इन फ्यूचरेंस एंड इन द 1% क्लब? आई थिंक वाइब इज वेरी सिंपल, नो हायरार्की, इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर basically you don't need to be a leader to become a leader. okay, it all depends on do you think yourself like a leader. aap kya company ke owner ki tarah sochte ho? chahe intern ho chahe koi cxo ho, they need to think like owners of the company, and if you make sense we listen to you. and at a very broad level it's a very merit based structure. okay, where it's a open floor, everyone can critique everyone's work. haan ji. and very honestly hum bahut aggressive hai. तो जो आपने बात बोली ना 70 hour वर्क फी है, ऐसे कोई घंटे के आपसे बाउंड नहीं है, बट अग्रेशन को भी सपोर्ट, बिकॉज वी आर इन अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी वेयर द ऑड्स आर अगेंस्ट अस, दे आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस. द ओनली वे वी कैन सॉर्ट ऑफ बीट दोज ऑड्स इज बाय वर्किंग हार्ड, इज बाय कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग, फेलिंग फास्ट. सो एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं एंड ज्यादा दिमाग नहीं चलाते. पहले कर लो फिर दिमाग चलाओ, इफ दैट मेक्स सेंस, राइट? नहीं तो क्या होता है, कभी कभी बहुत प्लानिंग व्लानिंग में बहुत टाइम चला जाता है. हाँ, एग्जीक्यूशन. हाँ, हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान प्लानिंग करते हैं, इस चक्कर में गलतियां भी होती है. फेयर इनफ. बट माहौल एक बड़ा अग्रेसिव सा माहौल है, मजा आता है. एंड बिकॉज मेरी भी थोड़ी एज कम है जी, तो ज्यादातर यंग लोग ही है कंपनी में. वेरी गुड, वेरी गुड. 1% क्लब में भी सिमिलर माहौल है? 1% क्लब में भी एग्जैक्टली सिमिलर माहौल है. ओके. एंड 1% क्लब में द ओनली डिफरेंस इज दैट बिकॉज वी हैव realize the power of content because of Sharan. Yes. What Sharan has built with finance with Sharan. Correct. Sharan and Shreya both. What they have built with finance with Sharan. हमने वो learnings लेके whatever we are doing, हम बहुत content centric जा रहे हैं. And the best form of creating content is immediate feedback. आप content बनाते हो, तुरंत comment आ जाता है. Comment आ जाता है, आपको एकदम psychology समझ आ जाती है audience की. So because of that, you are a bit more closer to your audience. Yes, 100%. So I think 1% club में, and I'm trying to imbibe those qualities in future as also. Okay. कि आप content बनाओ. हाँ जी. आप अपने customer के ज़्यादा close हो गए, आपको समझ आएगा how they are thinking, how they are reacting to it. हाँ, सही बात है. आपकी दिनचर्या क्या होती है? Mashable mornings पे आए और morning routine की बात की, ऐसा नहीं हो सकता, देखिए. Right. So I like to wake up early. Okay. So I wake up between 5:45 and 6:15. Wow. मतलब मेरा अलार्म 5:30 से स्टार्ट हो जाते हैं, बट वो 5-5 मिनट के स्नूज वाले, मतलब 5-5 मिनट के स्ट्रक्चर में होते हैं वो. डिपेंड्स ऑन मैं रात को कितने बजे सोया. फेयर इनफ. तो मैं कितना ही लेट सोऊं, मैं 6:15 तक उठने की ट्राई करता हूं. ठीक है. देन आई गो टू द जिम. बिफोर द जिम आई टेंड टू लाइक ओपन माई फोन एंड रीड द न्यूज, एंड उसके अंदर मैं ब्लूमबर्ग खोलता हूँ, बिकॉज ब्लूमबर्ग में यूएस में क्या हुआ है ग्लोबली. सो आई लाइक टू रीड व्हाट इज हैपनिंग देयर. देन आई गो टू द जिम. जिम में आई सॉर्ट ऑफ बी टिल इन द जिम टिल लाइक 8-ish. ओके. कम बैक, गेट रेडी, रीड समथिंग, रीडिंग अ बुक और रीडिंग सम बायोग्राफी और रीडिंग न्यूज, वट एवर इट इज. लीव फॉर ऑफिस बाय 8:45, 9. रीच ऑफिस बाय 9:45, 10. इंटरेस्टिंग. सारे 30 मिनट के विंडो में बना रखा है आपने. हाँ, मतलब वो मैं आपको जो एक रेंज दे रहा हूँ, मतलब उसी रेंज में चलता है. फेयर इनफ. और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं कभी कभी 9:30 निकला घर से, तो इतना ट्रैफिक मिलता है, रीच बाय 11. करेक्ट. सो यू हैव टू. आई हैव टू. इन ऑल द बिग सिटीज इफ यू डोंट मेक इट इन दैट मच टाइम, यू आर जैक्ड. यू आर जैक्ड, राइट? या. एंड देन फ्रॉम 10 टू रफली 9:30-ish इन ऑफिस, 9:30, 10. बाय 10:30 कम होम. परफेक्ट.
and eat food, watch something, yeah. talk to my mom, talk to my dad, talk to my friends. Some of my friends are in the US. Nice. My best friend Hashim, he's working in New York right now. Oh, wow. So I almost talk to him daily. Oh, interesting. And my time zone is opposite. Hai. Correct, वही तो 12 घंटे तो या तो सुबह बात करता हूँ जिम के बाद या रात को मतलब कभी ना कभी बात होती रहती है वाह यार तो बस यही ऐसे चलता है इंटरेस्टिंग बट लाइक हॉबीज क्या है फिर हॉबीज आर आई थिंक ऑन वन साइड इट इज लाइक वर्किंग आउट प्लेइंग स्क्वॉश ऑन द अदर साइड आई लव पॉलिटिक्स आई लव वॉचिंग पॉलिटिक्स आई लव रीडिंग पॉलिटिक्स आई लव हेयरिंग पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स पॉलिटिशियंस तो या तो उनका कोई इंटरव्यू देख रहा हूँ या किताब पढ़ रहा हूँ उनके बारे में कोई something like that कोई podcast सुन रहा podcast बहुत सुनता हूँ मैं हाँ so I think something like that interesting is that how you came across us as at Mashable also Mashable का तो I think I've been looking at your content for quite some time now thank you so much and I think मेरे Instagram पे reels में ही आप कई बार आए हुए हो और मैंने कुछ आपकी काफी podcast देखी हैं I think Honey Singh वाली बड़ी interesting podcast thank you so much that was very interesting well, that is on the Bombay Journey आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लीजिए rare case होगा अगर नहीं देखी हाँ that was a very good one then Nikhil's was, yes, was a very interesting one so I've seen yours so that's how it got so how important is it to be visible to in today's age as an entrepreneur because you know there is a reality show now which has entrepreneurs there is so is there pressure to be an entrepreneur who's on camera the easiest brand to build is a person's brand if I compare building a company's brand versus personifying that brand it is always easier because people remember people yeah people because people remember the feel of that person correct it's tough to remember the feel of a brand yeah but it is easier to remember the feel of Raghav or of that brand of that person yeah, yeah I know right? what you mean so I think everyone has realized that everyone is trying to do that is it a long term sustainable strategy not really because people evolve but the companies need to sort of you know be there it's a long term thing Correct. So what I believe is it should be a combination initially using your own personal brand yes. you can catalyst and make a name for yourself but long term it has to be the business that people remember yeah people know Mukesh Ambani but it is Reliance yes people know Ratan Tata but it is Tata correct if that makes sense right yes 100%. People know Nikhil Kamath or Nitin Kamath but it is Zerodha so yeah. it has to be like that long term I agree with you but does the female attention change when you have like a certain no female attention is that something you shy away from your not hai hi nahi kuch kya sha क्या आपको लगता है do, if you can recollect one learning that you take from there and apply in today's day and age I think learning has been very simple to assume you don't know anything I think that is the game right the minute you start feeling mujhe aata hai mujhe performance marketing aati hai mujhe video camera ke angles aate hain mere ko kuch bhi aata hai right like, wahi khatam shuru your the downfall starts there only and ye mere sath choti choti journeys mein hua hai ki mujhe laga mere ko koi cheez samajh aa gayi main I've understood social media फिर अगले महीने रीच गिर रही है हमारी एग्जांपल करेक्ट करेक्ट बोले तो वो कभी भी फील नहीं करना है कि यू शुड ऑलवेज बी एंड एज अ एंटरप्रेन्योर इनहेरेंटली आप इनसिक्योर होते हो इनहेरेंटली एंड आई थिंक वो बहुत अच्छी चीज है तो मेरे को ये लगता है कि माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माय इनसिक्योरिटी अभी मुझे आ गया अभी मेरे को टेंशन नहीं वाली बात ही नहीं 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 सवाल ही नहीं उठता हर दिन लगता है कि कैसे मेरी बैंड बच सकती है अच्छा फेयर एनफ बट खुद पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हो क्या इतना पॉलिटिक्स क्या आप देखते हैं और आई थिंक मैंने एक और इंटरव्यू में भी बोली थी बात कि द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस अगर रखते भी हो तो बोलनी नहीं चाहिए सो आई डोंट नो नाइसली डन इफ दैट मेक्स सेंस राइट अगेन आई एम टू यंग टू थिंक इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स पढ़ के किताबें पढ़ के इंस्पायर तो होते हो जी व्हेन यू लुक एट द लीडर्स ऑफ दिस कंट्री ग्लोबली मजा तो आता देख के करेक्ट बट देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबकी जर्नी अलग है आपकी जर्नी अलग है जो बाहर से दिखता है अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है हाँ. तो ऐसे कोई टेंजिबल थॉट नहीं है बट मजा आता देखने में सही बात है भाई लेकिन एक जो चीज होती है एज लीडरशिप यू हायर लीडरशिप एंड फ्रंटलाइन पीपल राइट तो आपका हायरिंग राइट का क्या हैक है व्हाट इज द वे टू हायर राइट I think for me personally, when I look at hiring people or hiring leaders or whatever, I look at them in two aspects. One is psychologically and the other is professionally. जी. From a psychological viewpoint, I try to understand कि वो क्यों कर रहे हैं हम सब लोग basically पैसे के लिए काम कर रहे हैं, right? That's obvious. Yeah. But क्यों पैसे से क्या कर रहे हैं आप? What do you want to do with money? Like, what deeper than money do you really need? And everyone has an answer to some extent, right? So I love to understand that.
and at the same time their knowledge about their subject, how surface level and how deep it is. Because most of the people today, aap baat karoge, looking at podcast and itna content consume kar liya na, ki baatein bahut badhiya karte hain. Maza aata hai, arre wah yaar, matlab lagta hai ki inhi se chalwa lete dhanda, hum hi chhod dete hain. Sare jargon fek denge ek ek ke. Badi badi baatein, you like, what am I doing in this world? Yeah. But then when it comes to execution, you realize it's all crap. It's hawabaji, pure hawabaji, right? So I try to understand a bit deeper ki unki knowledge kitni subject ke bare mein. And for that, the last job they were doing, I tried to go deeper into understanding what they were doing there and how deeply did they understand the business they were in. The business dunya bahut fast evolve karti hai, bahut fast change karti hai. So Raghav, aap kaise updated rehte ho, kya aap seekh rahe ho nayi cheeze, kya aapko lagta hai ki yaar ye kadak cheez ho rahi hai, ye kya hone lag gaya bhalta, right? Is there a reference point like that? Sure. So I think main do hisse se apne aap ko update karne ki try karta hu. One is at a top level. Okay. For that is more macro. कि क्या चल रहा है globally, economically, what is the trends? उसके लिए podcast हो गई, बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना हो गया, समझना हो गया, उनसे मिलना हो गया, and all of those things. Fair enough. On the other side, I try to go deeper into understanding grassroots पे क्या हो रहा है. ठीक है. So that is the employees, that is the interns. वो काम कैसे कर रहे हैं. So it's a combination of both, if that makes sense. Interesting. भाई लोग कल्चर के बारे में बात बहुत करते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि लोग कल्चर बिल्डिंग समझते हैं कि नहीं. तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट वे टू बिल्ड द कल्चर विद व्हिच यू नो यू हैव राइट गुड आउटकम्स. आई थिंक कल्चर इज सॉर्ट ऑफ अ एक्सटेंशन ऑफ द फाउंडर्स पर्सनालिटी. तो अगर एज अ फाउंडर जो आप हो, घूम फिर ये कल्चर वैसा ही बन जाता है. तो अगर आपके अंदर यू डोंट बिलीव इन हायरार्की, आप सबसे बात करते हो, तो वैसा बन जाएगा. अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो लोग देखेंगे, मेहनत बन जाएगा. If you are a person who talks to people nicely, yeah, वो बन जाएगा. If you are a person who sort of keeps introspecting, वैसा बन जाएगा. I am giving an example, right? Correct. Now, I am not saying कि हमने जो किया है या जो हम कर रहे हैं वैसा, it's exactly what we wanted it to be. We are learning. So, for example, गुस्सा, aggression. हाँ जी. तो कभी कभी मेरे को realize होता है कि मैं ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ. हाँ. तो मैं कम करने की try कर रहा हूँ. Correct. अगर मैं कम करूँगा तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी के अंदर भी जो मिड लेवल मैनेजर्स हैं वो कम करेंगे. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माय एंगर बिकॉज आई नो इट विल हैव अ टॉप डाउन इफेक्ट. इफेक्ट 100%. मुझे खुद से प्रॉब्लम नहीं है एंगर से, मुझे औरों के से प्रॉब्लम है. नहीं, फेयर एनफ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर इज एन एमिकेबल कल्चर फॉर एवरीबॉडी टू काइंड ऑफ एग्जिस्ट एंड सर्वाइव इन दैट इंडस्ट्री. जी. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टे फ्रूगल इन टुडेज डे एंड एज एंड हाउ डू यू ब्रिंग इट इनटू एक्शन? I think frugality is something that the last 3 odd years we had all forgotten. Yeah. And we had forgotten because the interest rates in the global economy were very low. What that meant was that capital was available easily. Yeah. And they were getting, everyone was getting money left, right and center. Yeah. Now, as we see now in the market, jab capital come available hai, then everyone has become a baniya. Everyone is coming back to dhanda. Correct. And what that tells us is that जो लोग उस टाइम पे भी इंट्रेंसिकली धंधा बना रहे थे फोकस की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल योर जरोडा, यस, कामत ब्रदर्स, राइट? यस. दे डोंट नीड अ मार्केट, दे विल ऑलवेज वर्क. करेक्ट. सो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म 20-30 साल की गेम खेलनी है, हाँ, तो आपको फ्रुगैलिटी के दम पे ही खेलनी पड़ेगी. नाइस. शॉर्ट टर्म गेम खेलनी है कि 1-2 साल में कंपनी बनाई, बेच दी किसी बड़े प्लेयर को, या उस टाइप की गेम खेलनी है, तो आप देन ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट ऑल्सो वर्क्स. या सो दैट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीवन एंड इंक्लूडिंग मी, वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम द इकोसिस्टम की लंबा गेम तो फ्रुगैलिटी पे ही खेल सकते हो आप. वही शॉर्ट टर्म गेम लोगों ने खेले भी या कमाए भी है पैसा. ये जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है, ये आपने अपने आप को कभी ग्रो होते हुए देखा कि यार आपको लगा कि नहीं, ये मैं 2 साल पहले तो मैं एकदम ही गलत कर रहा था शायद? हाँ यार, हर 4-6 महीने में लगता है मेरे को कि ये चीज मेरी सोच गलत थी. हाँ. अब इवॉल्व हो गई है एंड आफ्टर अ पॉइंट आई हैव रियलाइज्ड कि जो मेरी आज भी सोच है वो चेंज होगी. ओके. दैट्स व्हाई मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ, there is this cautious layer that I'm adding to it. Yeah. Because I am myself not sure of it, what will happen in a year or so. Correct. Fundamentally, I think the values will remain the same. Mm. But I think the opinions about certain thoughts would change. Aaj ki rate mein, it is not about the scale of the company. Yeah. It is about the speed of the company. How fast can you change? Yeah. It's not about how big you are. It's about how fast can you as an organization change, adapt. So I think fundamentally we have learned that. पैसे को संभाल के चलना कितना क्या है, क्या
कि अभी मैंने उतना कमाया ही नहीं कि मैं बता पाऊँ. नहीं फेयर इनफ. और अगर जो टिप्स दे रहे हैं आप, क्योंकि आप फाइनेंस शरण के साथ काम करते हैं, आई थिंक शरण से समझ मिलके ये समझ आया कि इट्स ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन्ड अकाउंटिंग अप्रोच. इट्स नॉट अबाउट कि मैंने कोई बिटकॉइन में पैसा लगा दिया और मैंने 100 करोड़ कमा लिए. इट डजंट वर्क लाइक दैट. इट इज अबाउट हाउ डिसिप्लिन्ड आर यू इन द वे यू लुक एट मनी. एंड डिसिप्लिन हैपन्स फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग कि मैं स्टारबक्स भी जा रहा हूँ, डू आई इवन नीड टू पे 500 रुपीज फॉर दैट कॉफी. छोटी सी बात एग्जाम्पल. तो उतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन बनाते हो, वही वेल्थ बना पाता है. ये शॉर्ट ये हैक्स के थ्रू है वेल्थ नॉर्मली बनती नहीं है. सही बात बोली भाई. वी आर ऑल्सो वेरी गुड बिग फूडीज. तो आपका फूड इज अ बिग थिंग फॉर यू? या आई एंजॉय फूड. या एंड व्हाट आर योर गो टू प्लेसेस इन लाइक बैंगलोर और मुंबई, अगर आपका कुछ ऐसा है तो? आई थिंक इन बैंगलोर माई गो टू प्लेस इफ आई हैड टू से इज थर्ड वेव. या विच इज लाइक अ वेरी, बिकॉज वहाँ पे इतनी मीटिंग्स की है ना मैंने कि इट हैज बिकम वेरी लकी प्लेस फॉर मी. रियली? या लाइक थर्ड वेव इन HSR और थर्ड वेव इन बेलेंडूर और थर्ड वेव इन कोरमंगला बिकम अ वेरी लकी प्लेस फॉर मी. नाइस. सो यू ऑल, इफ यू ऑल चिल देयर, यू शुड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड फाइंड हिम देयर. एंड थर्ड वेव शुड पे अस मनी फॉर दिस. आई थिंक हाय मेघना, यू हैव इन्वेस्टेड इन थर्ड वेव, वी आर मार्केटिंग फॉर यू. या आई थिंक थर्ड वेव डेफिनेटली ओज अस समथिंग फॉर दिस. बट थर्ड वेव नथिंग फैंसी यार. आई कीप गोइंग टू प्लेसेस फॉर मीटिंग्स एंड ऑल टू होटल्स एंड ऑल ऑफ दोस प्लेसेस. वो जाते रहते बट वो मजा नहीं आता. मुझे वो थर्ड वेव का एक तंदूरी चिकन सैंडविच होता है, गुड कॉफी. दे हैव गुड टॉफी नट फ्रैपुचिनो. आई हैव नॉट ट्राइड. मैं चीनी नहीं खाता, सो आई डोंट नो. उसमें आई थिंक बहुत कम है, बट आई थिंक फेयर इनफ, फेयर इनफ. सो वो थर्ड वेव है. एंड अगेन आई एम नॉट फिक्सेटेड ऑन एनी प्लेसेस. अगर एक रेस्टोरेंट की आप बात करोगे तो आई लव इंडियन एक्सेंट. सो कभी भी कुछ बड़ा होता है लाइफ के अंदर, सो आई लाइक टू गो टू इंडियन एक्सेंट. माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक टू गो देयर. So with my mom and dad, I like to go to Indian accent. Superb. Raghav Gupta would come in our Dubai edition of Mashable Mornings. He told me that you need to celebrate all your big wins. I think that what you do with Indian accent. Mr. Raghav Gupta of RK Group. His name is Raghav Gupta? Yeah. Same name as me? Yeah. Wow. I didn't know that. Yeah. Crazy. Yeah. So, which is why I had to tell you this. Ki yaar, end mein bataunga. Wow. I was like, shit. Main kab gaya Dubai? उनका वो आरके ग्रुप भी है, इसलिए शायद मेरा कंफ्यूजन हुआ होगा. ही इनफैक्ट सेड कि यार सेलिब्रेटिंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई थिंक वो आप इंडियन एक्सेंट में जो करते हो, आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट. कहीं भी मतलब मैं आई एम नॉट अ पर्सन हु हैज अ फिक्सेटेड पॉश प्लेस. या आई लाइक टू गो टू थर्ड वेव ऑफ द वर्ल्ड, बट जाते रहते हैं रेस्टोरेंट में, नए नए ट्राई करते रहते हैं. सारे किए हुए बैंगलोर के, तो सारे किए हुए. यार बढ़िया. बट सो नाइस टू हैव हैड यू ऑन द शो. यार कैसा लगा आपको? बड़ा मजा आया. एंड आई थिंक पता नहीं लगा कि टाइम निकल गया. आप भी काफी एक एनर्जेटिक सोल है. आई लव द स्पीड एट विच यू आर मूविंग. एंड आई लव दैट यू ऑल शुड चेक आउट फ्यूचर एंड्स एंड लाइक द 1% क्लब. 1% क्लब में कुछ ऐसा इनवाइट ओनली चल रहा है क्या आजकल? मैंने सुना है. दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज़ वी आर गेटिंग टू मेनी एप्लीकेंट्स. या सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ आप दे दीजिएगा वो लिंक, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. सब हैक्स कोशिश करते थे. बट हियर एंड दिस वाज यू Raghav Gupta, thank you so much for doing Mashable Mornings with us. Do not forget to like, comment, share and subscribe. आप comments में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा. हम बड़ी insights share किए हैं. मजा आया आपके साथ बात करके. This is me. And thank you Siddharth for this opportunity. Really, really appreciate this. Thank you man. You made time for it. आपकी date नहीं मिल रही थी. नहीं नहीं. But this is me Siddharth Alamman.